उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग की रोकथाम के लिए धामी सरकार अब सेना की मदद लेने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में हो रही वनाग्नि की घटनाओं पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। राज्य सरकार सेना से भी इस संबंध में सहायता लेने जा रही है। मुख्यमंत्री ने वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताने के साथ ही बताया कि वनाग्नि की रोकथाम के लिए राज्य सरकार हेलीकॉप्टर के माध्यम से आग बुझाने का कार्य कर रही है और जल्द ही इस पर काबू पा लिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश के जंगलों में लगी आग से अब तक 650 हेक्टेयर जंगल जल गए हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है, उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं, लगातार जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है, सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं और भी मैं भी आज हल्द्वानी में भी अभी इस पर मैं मीटिंग करने वाला हूं, कल यहाँ देहरादून में भी करी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए, हम इसके लिए काम कर रहे हैं।